All right, so we discussed about that, what do you call as modern technology is also known as genetic engineering or recombinant DNA technology. कल भी मैंने repeatedly आपको ये बताया था कि इस साइंस पे आपने फोकस करना है. इनफैक्ट कहते हैं 20th सेंचुरी, जो सेकेंड पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी इज डिस्क्राइब्ड एज द गोल्डन एज ऑफ बायोलॉजी. गोल्डन एज ऑफ बायोलॉजी इसलिए उसको कहा जाता है क्योंकि इस टाइम हमने सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी की जिसका नाम था डीएनए. ठीक है, आपको पता होगा कि डीएनए यू नो एक जेनेटिक मटेरियल, यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल है सभी ऑर्गेनिज्म में. इसकी डिस्कवरी 1953 में राइट तीन साइंटिस्ट ने की कलेक्टिवली, ऑल्दो दे वर फिजिसिस्ट, यू नो एक्चुअल में वो बेचारे फिजिसिस्ट थे, बट दे एवेंचुअली वेंचर्ड इनटू यू नो बायोलॉजिकल रिसर्च एंड एंड अप डिस्कवरिंग डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड 1953 में, फॉर विच दे वर अवार्डेड नोबेल प्राइज, जिसका नाम था वाटसन एंड क्रिक. ठीक है, एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन, इन लोगों ने डीएनए को डिस्कवर किया था. तो डीएनए की डिस्कवरी होती है इसलिए सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज गोल्डन एज ऑफ बायोलॉजी आपको पूछा जाता है. और वहीं से हमारी टेक्नोलॉजिकल और बायोलॉजिकल जो ब्रेक थ्रूज या प्रोसेस वो शुरू होती हैं और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का जन्म होता है. ठीक है, या जिसको हम कहते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का जन्म होता है. ठीक है, तो डीएनए 1953 में डिस्कवर होता है जी. ठीक है, साइंटिस्ट है वाटसन, क्रिक, ठीक है, एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन, सारे फिजिस्ट थे. फ्रैंकलिन, इन लोगों ने डीएनए को डिस्कवर किया. तो आज के टॉपिक में जेनेटिक इंजीनियरिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें डीएनए के बारे में थोड़ा बहुत पता होना ज़रूरी है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि डीएनए के बारे में आपको हर चीज़ पता हो. डीएनए यू नो बड़ी कम्प्लेक्स चीज़ है, बट इतना एक नॉन साइंस स्टूडेंट को भी पता होना चाहिए. ठीक है, कि आज की डेट में कितनी न्यूज़ सुनते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हुई, डीएनए फिंगरप्रिंट्स लिए गए, व्हाट डज इट मीन एक्चुअली. तो आपको ये पता होना चाहिए कि डीएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल है. ठीक है, ये हर एक सेल में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं. अगर हम अपनी बात करें, ठीक है, तो हमारे क्रोमोसोम्स में ये डीएनए पाया जाता है और इस डीएनए के ऊपर हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, कोडेड फॉर्म में. कोडेड है इन्फॉर्मेशन जो कि हमने इनहेरिट की है अपनी मदर और फादर से. वही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आगे जनरेशन में पास ऑन करती है. राइट, तो डीएनए के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है. तो पहले तो डीएनए के बारे में इतना पता होना चाहिए कि डीएनए इज़ अ यूनिवर्सल जेनेटिक मटीरियल. राइट, सभी ऑर्गेनिज्म में डीएनए पाया जाता है. राइट, सेल के अंदर न्यूक्लियस में, ऑल्दो यू नो जो बैक्टीरिया हैं उनमें जो डीएनए है वो दो जगह प्रेजेंट होता है, वो हम आगे बात करेंगे. एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर होता है और एक न्यूक्लियस में होता है. राइट, बट ठीक है, डीएनए की स्ट्रक्चर जो है वो यूनिवर्सल है सभी ऑर्गेनिज्म में. डीएनए की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये तीन चीज़ों से बनता है डीएनए. अगर हम डीएनए, आपने हमेशा सुना होगा, ठीक है, ये डीएनए की स्ट्रक्चर ऐसे होती है, इट इज़ हेलिकल स्ट्रक्चर. ठीक है, इसको हेलिक्स भी कहते हैं. ठीक है, दो स्ट्रैंड का बना होता है और उन दोनों स्ट्रैंड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड राइट कहा जाता है. पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्योंकि बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट है डीएनए का वो है न्यूक्लियोटाइड. तो आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं. पहले तो आपने जाना है कि इनको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं. न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहा जाता है कि ये डीएनए के साथ एक और न्यूक्लिक एसिड होता है, उसको आरएनए कहा जाता है. दोनों न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं. राइट राइट, डीएनए के साथ यही आरएनए पाया जाता है. राइट, आरएनए अपने अभी, ठीक है, वैक्सीन का टाइम चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है, तो आपने न्यूज़ में सुना होगा मैसेंजर एमआरएनए वैक्सीन बना दी. तो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन क्या होती है, कैसे बनती है? तो मैसेंजर आरएनए डीएनए की इंफॉर्मेशन एक्चुअली ट्रांसक्राइब करता है अपने ऊपर, ट्रांसक्रिप्शन होती है. ठीक है, डीएनए के पास जो इन्फॉर्मेशन है कौन से किसी कैरेक्टर को डिफाइन करने के, कैरेक्टर क्या हो गया? राइट, काले बाल, यू नो राइट, यू नो स्मॉल नोज एंड दूसरे जितने भी फीचर्स हैं उसके, वो डीएनए में कोडेड है. और उन कोड को अल्टीमेटली डीकोड करता है हमारा एक और न्यूक्लिक एसिड जिसको हम आरएनए कहते हैं. उसकी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर